हेलो डॉक्टर सिंह पैंट सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज विष्णु कांत सिंह, वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द नीट पीजी 2024 लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज, मोस्टली अबाउट योर नीट पीजी 2024 एडमिट कार्ड। जी हाँ, वी आर ऑलरेडी नोइंग टुडे इज द 29th ऑफ जुलाई 2024। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर आइदर टुडे और टुमारो NBMS की तरफ से, दैट इज NBA की तरफ से फॉलोइंग कैंडिडेट्स को एक ईमेल सेंड किया जाएगा रिगार्डिंग द टेस्ट स्टडी सेंटर। ये ईमेल मोस्टली उन्हीं कैंडिडेट्स को सेंड किया जाएगा जिनके सिटी सेंटर उनके नियर बाई सिटी सेंटर में नहीं होंगे। मतलब कि आपने जो भी ऑप्शन पिलअप किए हैं, जो आपके नियर बाई सिटीज में अगर आपको सेंटर अलॉट नहीं किया जाता है, आपको फॉरन सिटी में सेंटर अलॉट होता है अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस किलोमीटर पर अगर आपको, या 300 प्लस किलोमीटर पर अगर आपको सिटी अलॉट होती है, इन डैट केस ओनली ये मेल आपको मिलेगा। इसके लिए आपको जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, ऑल्सो इन योर स्पैम बॉक्स, बिकॉज लास्ट टाइम की तरह से मैक्सिमम चांसेस हैं कि कुछ कैंडिडेट्स की ईमेल स्पैम बॉक्स में भी जा सकती है, तो एक बार स्पैम बॉक्स भी जरूर चेक कर लें। ये मेल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जाएगा जिनके कैंडिडेट मतलब जिनके सिटी सेंटर उनके नियर बाई सिटी सेंटर में ना होकर फारर होंगे, इनको सिर्फ ये मेल दिया जाएगा। एंड बात करूँ, कुछ ऐसे भी हमारे पास इंक्वायरीज आई हैं that those candidates were unable to put up the city center, मतलब जब अभी कुछ दिन पहले आपका सिटी सेंटर का ऑप्शन ओपन किया गया था तो एडिट विंडो नहीं ओपन किया, XYZ reasons की वजह से इन्होंने सिटी सेंटर में सिलेक्शन नहीं कर पाया है। ऐसे कैंडिडेट्स को कोई चिंता करने की बात नहीं है, रैंडम आपको सिटी सिलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा एज पर योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, एज पर योर परमानेंट एड्रेस, इसके अकॉर्डिंग आपको सिटीज अलॉट की जाएंगी, इवन अगर आपने फिलअप नहीं किया था उस पॉइंट पे इन दैट केस ऑल्सो। बट ये रैंडम क्या होगा, जब आपका एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली 8th of August को जब रिलीज किया जाएगा तब आपको पता चलेगा। एंड बिफोर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग वन मोर नोटिस फ्रॉम MBA रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन शेड्यूल। एग्जामिनेशन शेड्यूल मतलब कि ऑलरेडी हमें पता है कि एग्जामिनेशन आपका दो शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग इवनिंग और मॉर्निंग नून, ये अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं है। टाइमिंग क्या होगा ये क्लेरिफिकेशन नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैक्सिमम चांसेस हैं कि विद इन अ वीक NBA की तरफ से एक आपका नोटिफिकेशन दिया जा सकता है, बट टिल देन वेट फॉर दैट, टिल देन अपने प्रिपरेशन को फोकस करते रहिए। ये मेल मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, सिर्फ उन्हें कैंडिडेट्स को जाएगा जिनकी सिटी सेंटर फार सिटी में होंगे। अगर आपके सिटी आपको मेल नहीं आता है तो मैक्सिमम चांसेस यही रहेंगे कि आपको नियर बाई सिटीज में ही आपको सेंटर अलॉट किए जा चुके हैं, और ये आपको जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा 8th of August को तब आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली आपका सेंटर का है। सो जिनको भी मेल आता है दे कैन प्लान देयर जर्नी एंड दे कैन प्लान देयर ट्रिप एज पर डेट। मेल नहीं आता है तो नो नीड टू वरी, एडमिट कार्ड के साथ आपको चीजें क्लियर की जाएंगी। बट टिल देन कीप वॉचिंग टू द कीप स्टडिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज PG 24। आई एम प्रीटी श्योर आपकी एग्जामिनेशन बेटर चल रही होगी, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो अवर पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज विल बी ओपन फ्रॉम द 12th of August, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा। सिंस द बिगिनिंग वी आर सेइंग द सेम थिंग, एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद स्लॉट्स ओपन कर देंगे रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजों के लिए। जब एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो भी मैं आपको इवनिंग तक प्रोवाइड कर दूंगा, 11th of August को इवनिंग तक प्रोवाइड कर दूंगा, दैट एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू प्रोसीड, व्हाट वी विल बी ऑफरिंग यू और स्लॉट्स कितने रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह भी इस बार भी हमारे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स रहेंगे। एंड लास्ट टाइम जो रिस्पॉन्स आया था उसके लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज PG 24। थैंक यू।